दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक तो लॉजिक, जो लॉजिक ये जिस लॉजिक से ये क्रिएट हुआ है उस लॉजिक को हम समझेंगे बोर्ड पे, और दूसरी कोड जो कि हम लिख रहे हैं VS कोड में, राइट। तो फर्स्ट में तो हम लॉजिक समझेंगे इस स्टार पैटर्न के लिए, एंड उसके बाद में कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लॉजिक समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये पैटर्न जो है कैसे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इसमें तो हम इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5। तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रोज, राइट। तो इसमें फिफ्थ रो जो है और इसमें कॉलम है 1 2 3 4 5, इसमें फिफ्थ कॉलम भी है, ठीक है। और फर्स्ट रो में एक स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार है, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार एंड फिफ्थ रो में 5 स्टार, राइट। और हम देख रहे हैं कि आगे कोई भी स्पेस नहीं है, तो इससे इसके लिए जो कोड है बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम एक इंट डेटा टाइप का एन वेरिएबल बना लेंगे, और एन में हम पूछेंगे कि वो नंबर ऑफ रोज को यूजर इनपुट डाले कि वो कितने रोज के लिए ये पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम एन का वैल्यू रख लेते हैं 5। तो 5 रोज के लिए ये पैटर्न हम प्रिंट करने वाले हैं और इसके लिए हम लॉजिक समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं रो, जो कि काम करेगा इस पार्टिकुलर रो को प्रिंट करने में, ये सारे रो को पार्टिकुलर प्रिंट करने में ये रो को काम लग गया। और उसके बाद में एक कॉलम बना लेते हैं, जो कॉलम में हम स्टार को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एन का इनपुट ले लिया एग्जाम्पल के लिए, हम यहाँ पे तो सबसे पहले तो हमने एन का इनपुट ले लिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे हमने 5 रखा है कि समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद में हम एक लूप चलाएंगे, जो लूप चलेगा रो के लिए, ये 5 रो है तो हर एक रो के लिए एक लूप चलेगा। तो इसमें हम रो को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, एंड ये रो कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5 तक। ये फर्स्ट में रो 1 रहेगा तो ये प्रिंट करेंगे, ये रो 2 होगा तो ये, एंड सिमिलरली जब 5 होगा तो ये रो करेंगे, उसके बाद में ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रो को है हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब ये फॉर लूप में हम अपने कोड को लिखने वाले हैं। अब जो फर्स्ट रो होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट रो में ये लूप में आएगा, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये स्टार के लिए हम एक फॉर लूप चला लेंगे जिसमें हम यूज करने वाले हैं कॉलम को, तो कॉलम भी इनिशियलाइज होगा 1 से, एंड कॉलम कब तक चलेगा, तो कॉलम चलेगा लेस देन इक्वल टू रो तक, यानी कि रोज का वैल्यू जब 1 है तो 1 बार स्टार प्रिंट करे, रो का 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार एंड 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। तो यहाँ पे रो का वैल्यू जो है वो है 1, तो हम कॉलम को चलाएंगे लेस देन इक्वल टू रो तक, और उसके बाद में कॉलम को भी प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं एक स्टार को, ठीक है। उसके बाद में ये फॉर लूप बंद हो जाएगा और ये रो का भी फॉर लूप बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जब ये स्टार प्रिंट कर दे, उसके बाद में एक हम प्रिंट एफ कर देंगे न्यू लाइन, ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। तो अब ये जो लॉजिक है ये काम कैसे कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। रो का वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 जो कि यहाँ एन है, तो यहाँ हम एन लिखते हैं, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन 2 है तो ये नीचे आएगा। कॉलम 1, कॉलम इज लेस देन, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू रो, रो का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो में जाएगा और यहाँ पे कंडीशन 2 होगा तो एक बार ये स्टार प्रिंट करेगा और कॉलम हो जाएगा 2, तो दिस टाइम 2 इज लेस देन 1 नहीं है, तो ये फॉर लूप से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक न्यू लाइन करेगा जिसके मदद से ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रो का वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे हो चुका है 2, राइट। तो फिर से यहाँ 2 रो में फिर से यहाँ पे कॉलम 1 से स्टार्ट होगा, कॉलम होगा 1 से स्टार्ट एंड कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो का वैल्यू हो चुका है 2। सो यहाँ पे फर्स्ट में कंडीशन 2 होगा तो एक स्टार ये वाला प्रिंट कर देगा, उसके बाद में कॉलम हो जाएगा अपडेट तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद में ये कंडीशन फिट होगा तो फिर एक स्टार प्रिंट करेगा जो कि ये स्टार होने वाला है, और उसके बाद में ये अपडेट हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, इसीलिए ये स्टार प्रिंट नहीं करेगा,
न्यू लाइन प्रिंट कर देगा और आ जाएगा इसमें थ्री में, राइट। तो अब यहाँ पे रो का वैल्यू हो जाएगा थ्री एंड सेम होते जाएगा। जब यहाँ पे रो का वैल्यू अपडेट हो जाएगा सिक्स तक, तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये कुछ नहीं चलेगी, ठीक है, ये कुछ नहीं चलेगी और हमारा यहाँ पे पैटर्न प्रिंट हो चुका होगा। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से काम कर रही है। तो इसको हम अब कोड लिखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यार हम ऐसा पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं और जैसे कि हमने लॉजिक में जो जो चीज़ डिस्क्राइब किया वही चीज़ को यहाँ पे कोड रख के टेस्ट करेंगे। तो लॉजिक अनुसार एक एन बना लेते हैं जो होगा नंबर ऑफ रोज के लिए, उसके बाद में रो होगा और उसके बाद में कॉलम होगा। स्पेस नहीं है तो स्पेस के लिए हम वेरिएबल नहीं बना रहेंगे, राइट। तो उसके बाद में प्रिंट एफ से यूज़र को मैसेज दे देते हैं इंटर द नंबर ऑफ रोज, एंड उसके बाद में इसको हम इन में रख देंगे स्कैनएफ से। ओके, अब एक फॉर लूप लगाएंगे जो रो के लिए काम करेगा। तो रो इक्वल टू वन, रो इज लेस देन इक्वल टू एन तक, एंड रो को प्लस कर देंगे। इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ एक कॉलम को, तो एक दूसरा लूप चलेगा जो होगा कॉलम में, एंड कॉलम को इनिशियलाइज कर देंगे वन से। कॉलम चलेगा लेस देन इक्वल टू रो तक, एंड कॉलम को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इस फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट कर रहे होंगे एक एक स्टार, राइट। तो एक हम स्टार प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे इंड कर देंगे। और ये लूप ख़त्म होते ही हम प्रिंट एफ की मदद से एक न्यू लाइन लगा देंगे, न्यू लाइन कर देंगे। ओके, तो ये बहुत छोटा सा कोड है, तो इसको हम देखते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, तो यहाँ हमने फॉर लूप नहीं प्रिंट एफ लिख दिया है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगा लेंगे, राइट। अब ठीक है, अब इसको रन करते हैं। जो एग्जांपल पे लिया था फाइव नंबर ऑफ रोज के लिए, तो फाइव नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, ठीक है, फाइव। सेम पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फिर सम कर लेंगे टेन के लिए, थोड़ा बड़ा नंबर हो जाए, तो यहाँ पे बड़ा पैटर्न टेन के लिए प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये कोड अच्छे से रन करा है। तो होप गाइस आप इस वीडियो को समझे होंगे और कोड को भी अच्छे से समझे होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते